गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मधुर आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम स्पर्श भाग एक किताब में क्या किए थे, रहीम के दोहे। ठीक है, मतलब रहीम कवि रहीम के द्वारा लिखित दोहे अध्याय शुरू किए थे, पद्य। ठीक है, उसमें पिछले कक्षा में पहला और दूसरा दोहे में पहला उससे पहला कवि परिचय देख लिए थे। ठीक है, तो बाद में पहला और दूसरा दोहे में जो नए शब्द है, नए शब्द देख लिए थे। फिर बच्चों, कल हम पहला और दूसरा दोहे का भावार्थ भी, समझा रहे ना, भावार्थ भी मैं लिखवाया था आपको, लिख लिए हैं आप। आज हम इस कक्षा में क्या करेंगे, उन दोनों दोहे के क्या भावार्थ लिख लिए हैं, तो भावार्थ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा भावार्थ। आइए बच्चों, देखेंगे पहला दोहे पढ़ता हूँ, तो बाद में उस दोहे का अर्थ आपको मैं समझा। कल क्या आप भावार्थ लिख लिए, उस भावार्थ का आज हम चर्चा करेंगे। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठे परी जाए। देख लो जिस तरह एक संबंध का, समझ में आ रहे ना, संबंध का महत्व समझाते हैं रहीम। ठीक है, संबंध के बारे में हमें संदेश देते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में संबंध का महत्व जिस तरह होता है, संबंध, ठीक है, रिश्ता, समझ में आ रहे ना, भाई, ठीक है, घर वाले, रिश्तेदार, संबंध, संबंध का महत्व समझाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, धागा मतलब सूत, ठीक है, या डोरा, दार अंतर दार। मत तोड़ो चटकाए, चटकाए मतलब झटके से। अब एक पहला क्या करते हो, एक धागा लेकर तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, दार वाला नहीं हो, हरी मुरी लिख के अथवा कट मार लिख अंतर हिंग जग जग की प्रयत्न पड़ते, अब मुरी लीला हरी लीला अंदर नहीं मारते, होगा हिंग बिट 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 जोर आई जगते, झटके से, समझ में ना, चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, तो उस तरह झटका देकर, ठीक है, झटके से आप उस धागे को तोड़ दिए तो वह क्या होता है, वापस, ठीक है, ना मिलता। तो इसलिए आप क्या करना है, वह धागे को आप तोड़ने से पहले ही सोचना चाहिए, समझ में ना, क्योंकि वापस उस सूत को हम मिलाने के लिए नहीं होता, मिलाने के लिए होता है लेकिन बीच में क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। उदाहरण के लिए अभी क्या है, एक सूत, तो दार, ठीक है, अब इसे क्या कर रहे हैं, बोला इसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब बीच में, ठीक है, यहाँ एक दोनों हाथ से आप क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहला पहला आप कोशिश किए तो यह नहीं तोड़ता, तो उस समय आप क्या करते हो, बार बार कोशिश करते हैं और झटके से अंत में तोड़ देते, ठीक है। इस तरह तोड़ने से पहले ही हम सोचना है, तोड़ना है या नहीं, समझ मारे ना, पहले ही सोचना है। यदि हम एक बार इस दाये को तोड़ दिए तो वापस मिलाने के लिए नहीं होता, जगह ना हरिद्रे वापस कूड़ीसलो साध्यवेलो, मिला सकते हैं कुड़िस बहुत, लेकिन क्या होता है, बीच में गांठ पड़ जाता है, कुड़िस बहुत आदर ऐन एडना गंट हाकि कुड़ी गंट हाकि मोदी तरह आगे के साध्यना, वह पहला जिस तरह था उस तरह होने के लिए नहीं होता, समझ में ना, वापस दोनों को मिला सकते हैं लेकिन बीच में क्या होता है, गांठ पड़ता है। इसलिए दागे को उन्होंने क्या करता है, संबंध के साथ तुलना करते हैं। रहीम जी, संबंध भी उसी तरह सूत के समान होते हैं, समझ में आ रहे ना, डोरा के समान होता है संबंध भी, समझ में आ रहे ना, यदि हम संबंध तोड़ने से पहले ही सोचना है, समझ में आ रहे ना, एक बार संबंध टूट गया तो, समझ में आ रहे ना, या तोड़ गया तो वह वापस नहीं मिलता, समझ में आ रहे ना, मिलता है लेकिन गांठ पड़ता है। संबंध में कैसा गांठ पड़ता है, पैसा मत सोचो,
मन में वो क्या होता है, वही शक डाउट संबंध मुरीद समय मन यू तुम साध्यवे समझ उदाहरण के लिए अब एक दो पक्के दोस्त रहते क्लोज फ्रेंड्स समझ में ना, किसी एक विषय पर दोनों को झगड़ा हो जाता है तो उससे आप क्या करते हो, एक दो तीन महीने दोनों बातें नहीं करते समझ में ना, छोड़ दे बातें छोड़ देते। पहले झगड़े झगड़ा करने से पहले आपका संबंध है तो इस धागे के समान था समझ में ना, पक्का था। जब आप झगड़ा करके वह संबंध टूट दिए समझ में ना, तोड़ दिए, वापस वह पहले जैसा, पहला क्या आपका दोस्ती था तो उस तरह वापस वह दोस्ती नहीं होगी समझ में ना। तो उसी तरह इधर रहीम जी क्या कहते हैं देख लो, प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है समझ में ना, प्रेम का बंधन है मतलब वह संबंध क्या होता है, प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। प्रेम का वह बंधन क्या है, इस तरह सूत के समान या एक धागे के समान होता है, हम कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। झटके से मतलब उसे हम कोशिश करते हुए नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए समझ में आ रहे ना। हम क्या करना है, उसकी ख्याल देखना है, ख्याल करना कालजी वह अद्वर बे संबंध ना मुरली के होबार् अदर बे ना कालजी वह क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता समझ में आ रहे ना। यह आप भूलकर यदि आप भूलकर यह संबंध आप एक बार है ना तोड़ दिए तो या मोड़ दिए तो क्या होता है, वह वापस पहला जैसा नहीं होता समझ में आ रहे ना। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यह धागा एक बार आप झटके से तोड़ दिए तो समझ में आ रहे ना, तोड़ कर दो भाग किए तो ये वापस नहीं मिलते, वही कहते हैं। उसी तरह संबंध भी रहता है, आप क्रोध में ठीक है गुस्से में आप संबंध या रिश्ता आप तोड़ दिए तो समझ में आ रहे ना, वह वापस नहीं मिलता, जोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है ठीक है। किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। देखो जिस तरह कहते उन्होंने, तो आप क्या करना है, वह धागे को आप झटके से तोड़ दिए तो वह वापस नहीं मिला सकता है ना। जोड़ने की कोशिश में उसे दाग में गांठ पड़ जाती, वापस उसे आप जोड़ने के लिए कोशिश किए तो समझ में आ रहे ना, जोड़ने के लिए कोशिश किए तो क्या होता है, दोनों के बीच में एक गांठ पड़ जाता है। सल संबंधवन कड़ेकट्रे वापस आ संबंधवन मत वापस ना पड़ू साध्यवे पूर्वकवा बड़ी सहित मध्य गंटु बीत दारद तर गंटु बीत मन कलमश उलियुद समझ में सल ना भरोसा कड़ेकट्रे वापस आ भरोसे ना पड़ेक बहुत कष्ट अंतर उसी तरह एक बार हम संबंध तोड़ दिए तो वह वापस संबंध नहीं होता ठीक है, जोड़ने के लिए नहीं होता। और जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है, किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो रिश्ता मतलब संबंध, किसी लोगों के साथ क्या हमारा वह संबंध या रिश्ता रहता है, वह रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। उस संबंध को फिर वापस दोबारा मतलब दूसरी बार हमें उस संबंध को जोड़ने के लिए नहीं हो जाता समझ में ना। जिस तरह कवि रहीम जी क्या करते हैं संबंध के बारे में महत्व
या संबंध का महत्व हमें समझाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, एक धागे का उपयोग करते, मतलब धागे का उदाहरण लेते, संबंध को उन्होंने धागे के साथ तुलना करते, तुलना करना मतलब कंपेयर बोलते ना शीतल, अरे संबंध महत्व ತಿಳಿಸಲು ಒಂದು ದಾರ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸಮಝ ಮಾರೇನ ಬಚ್ಚೋ ಇದು ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪಹಲಾ ದೋಹೆ ಹೈ ಪಹಲೆ ದೋಹೆ ಮೇ ರಹೀಮ್ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಠೀಕ್ ಹೈ ಸಂಬಂಧ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಸಮಝಾತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ತರಹ ಸಂಬಂಧ ಹೋತಾ ಹೈ ಸಂಬಂಧ ಹಮೇಶಾ ಏಕ ಧಾಗೆ ಕೆ ಸಮಾನ ಬಹುತ್ ಕೋಮಲ ರಹತಾ ಹೈ ಸಮಝ ಮಾರೇನ आप क्या करना है, बहुत जागृत से हर कदम सचेत से आप क्या करना है उसे निभाना है, उसकी पालन करना है, क्योंकि वह संबंध एक बार टूट गया तो वापस उसे जोड़ने के लिए नहीं होता, जबरदस्ती से आप जोड़ दिए तो बीच में क्या होते हैं, गांठ पड़ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छी तरह से संबंध का महत्व समझाने के लिए कोशिश किए बच्चों, तो ऐसा अनेक घटनाएं आपके जीवन में भी घटते हैं। उदाहरण के लिए मैं पहले ही कहा, आप एक दूसरों के साथ अब आप कक्षा में पढ़ते हो तो ठीक है, उस कक्षा में आपके पक्के दोस्त रहते हैं, एक दो तीन लोग ओतकंत तरगते इबर मूर जन भारी क्लोज फ्रेंड्स, एलू फ्रेंड्स बट क्लोज फ्रेंड्सू फ्रेंड्स भाला व्यत्यास रहता है ना, दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो ऐसा पक्के दोस्त के बारे में, पक्के दोस्त के साथ आप एक बार ठीक है संबंध या रिश्ता दोनों के बीच में जो क्या रिश्ता है वह टूट गया था, समझ में आ रहा है ना, वापस उस रिश्ते को जोड़ने के लिए हम बहुत कोशिश करना पड़ता है, वापस वो पहले जैसा होने के लिए नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। ठीक है बच्चो, आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखेंगे, रही मन निज मणि की बीथा मन ही रखो गोय, सुनी अटी लय है लोग सब बांटी न ले है कोय। देखो रही मन निज मन की बीथा, निजी मतलब अपना, समझ में आ रहा है ना, रही मन निज मन की बीथा, बीथा मतलब दर्द, ठीक है दर्द मन की व्यथा, ठीक है दर्द मन ही रखो गोय, समझ में आ रहा ना, दर्द को आप क्या करना है मन में ही रख लेना, ठीक है। सुनी अटी लय है, सुनी अटी लय है, अटी लय है मतलब मजाक उड़ाना, लोग सब बांटी न ले है कोई है, कोई मतलब कोई बांटी न ले है मतलब कोई बांट नहीं लेते, समझ में आ रहे ना। तो ये नए शब्द है, आइए बच्चों देखेंगे इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं, देख लो भावार्थ आप कल लिख लिए हैं। अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए, दर्द मतलब मन की वह व्यथा, मन में क्या हमारे दर्द है उस दर्द को हम दूसरों के पास नहीं कहना चाहिए, समझ में आ रहे ना। दर्द को अपने मन में जो दर्द है उस दर्द को हम क्या करना है हमारे मन में ही ठीक है छुपा कर रख लेना है, समझ में आ रहे ना। अंदर नम मनसलिरुवंत दुखवन्न नाव नम मनसिनल्लिये मुच्चिट्टुकोळ्ळबेकु अंत हेळ्तारे, समझ में आ रहे ना। क्यों अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए, जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग इसका मजाक ही उड़ाते हैं, मजाक उड़ाना मतलब एंजॉयमेंट करना बोलते हैं ना, मजाक उड़ाना मजा मारो एंजॉयमेंट करो ठीक है। क्या कहते हैं देखो उन्होंने, अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए, जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, मन का दुख हम क्या करना है हमारे मन में ही छिपा कर रखना है, समझ में आ रहा ना। तो उसे हम दूसरों के साथ बांट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसा किए तो या आपका मन में जो दर्द है उसके बारे में दूसरे लोग समझ लिए तो वे सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, व्यंग्य बातें करते हैं ठीक है, तो
तो या आपको देखकर उन्होंने निंदा करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि क्या आपका मन में वह दुख है, दर्द है, उस दुख को आप क्या करना है, आपके मन में ही छिपा कर रखना है। यदि आप दूसरों को कह दिए तो, या दूसरे लोग उसके बारे में समझ लिए, वे सिर्फ क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। सही है, ठीक है, घर रिश्तेदार हो या दूसरे लोग हो। इसलिए कहते हैं बड़े लोग, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आप क्या करो, कष्ट में मत भुलाओ, ठीक है, सुख में मत भूलो, नहीं कष्ट में आपको कष्ट आए तो आपको मत, हमें आप मत बुलाओ, कष्ट नमन करे बेड़ी सुखदली मरे बेड़ी, समझ मारे ना। कभी रहीम जी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए हैं उन्होंने, लोग इस तरह होते हैं कि समझ मारे ना, हम आराम हो तो भी हमारे बारे में निंदा करते रहते हैं, ठीक है, हम कष्ट में हो तो भी वे निंदा करते रहते हैं। निंदा करना मतलब हियाळिसु अंत हेळ्तारल्ल, व्यंग्य बातें करना, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಜನ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತಾರಂತೇಳಿ. ವಹಿ ರಹೀಮ್ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ದರ್ದ ಹೇ ಯಾ ದುಃಖ ಹೇ ಉಸ್ ದುಃಖ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಆಪ್ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಹೀ ಛಿಪಾ ಕರ್ ರಖನಾ ಹೇ. ಸಮಝ್ ಮಾ ರಹೇ ನಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮ್ ದೂಸರೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯೇ ತೋ, ಯಾ ದೂಸರೇ ಲೋಗ್ ಉಸ್ ದರ್ದ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸಮಝ್ ಲಿಯೇ ತೋ, या आपका क्या दुख है वह दुख दूसरे लोग समझ लिए तो वे क्या करते हैं, सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, समझ में रहे ना, मजाक उड़ाते हैं या आपकी निंदा करते हैं या आपको देखकर उन्होंने हंसते रहते हैं। बच्चों तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि आप क्या करना है, वह दुख को मन में ही छुपा कर रखना है, ठीक है। और अंत में उन्होंने क्या कहते हैं, कोई भी मतलब रिश्तेदार हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, वे कोई भी तो उस दुख में समझ में रहे ना, या उस दुख को उन्होंने बांट कर नहीं लेते, समझ में रहे ना, कोई भी उसमें भाग लेने के लिए नहीं आते। क्या आपका मन में दुख है तो उसे आप, ठीक है, अकेले क्या करना है, उसका उपयोग करना है, समझ में आ रहा है ना, आप अकेले उस दुख के साथ लड़ना है, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಯಿ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಹಿ ಆತೆ, ಸಮಜ್ ಮಾರೇನಾ, ಕೊಯಿ ಬಿ ಠೀಕ್ ಹೇ ಬಾಂಡ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. रहीम जी बहुत अच्छी तरह से इधर, ठीक है, समझाते हैं उन्होंने। तो ऐसा ही होता है, जो लोग हमारे दर्द के बारे में समझ लेते हैं या क्या मन में दुख के बारे में वे समझ लेते हैं तो उसका उन्होंने उपयोग लेने के लिए शुरू करते हैं, समझ में आ रहे ना, वह कष्ट में है, ठीक है, उस कष्ट के बारे में समझाते हुए या उसके निंदा करते हुए क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, तो उसके बदले में वह कष्ट देखकर उन्होंने मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। मदद करना मतलब कष्ट में भाग लेकर बांट लेने के लिए, ठीक है, या उस कष्ट को दूर करने के लिए कोई भी मदद नहीं करते, सिर्फ वे क्या करते हैं, उसका उपयोग लेने के लिए कोशिश करते हैं उस व्यक्ति का। इसलिए यह सब हमेशा हमारे समाज में चारों ओर इस तरह चलता रहता है। हमारे समाज में ही ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जीवन चला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को देखकर रहीम जी हमें क्या करते हैं, हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं, जिनके साथ हम जिस तरह व्यवहार करना है,
समझ में आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, कल क्या आप ये दोनों पद का भावार्थ लिख लिए थे, दोनों दोहे का। आज हम क्या किए, दोनों दोहे का भावार्थ है उस पर हम आज चर्चा किए है बच्चों। आप अच्छी तरह से सुन लिए होगा। तीसरा दोहे, तीसरा दोहे तो पहला हम क्या करेंगे, उस दोहे में नए शब्द क्या है देखना है। देखो, एक ही सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, रही मन मूल ही। मूल ही मतलब जड़ में, सिंची को सिंचाई का उघाय मतलब तृप्त, उघाय मतलब तृप्त। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, अवध मतलब रहने लायक न हो। इधर पहला क्या करो आपका, वो है ठीक है, वो है दूसरा दो है, वो है मतलब छिपा कर, कल नहीं लिखे वहां और मतलब रहने के लिए लायक ना हो। सिंचाई करना, पौधे में पानी देना, पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना, घाय मतलब तृप्त, इसका अर्थ रहने रहने लायक न हो। चौथा, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरे नरेश, जा पर विपदा पड़ती है, विपदा मतलब विपदा विपत्ति कष्ट बोलते ना विपत्ति, विपदा पड़ती है। सो आवत यह देश, ठीक है अच्छो, ये तीसरा और चौथा भावार्थ में नए शब्द यहां तक रहने दो बच्चों। तो कल हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा दोहे का भावार्थ देखते हुए भावार्थ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगले का विषय बच्चों अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।